Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to your on YouTube channel. Friends, I hope you all are doing very well and your exam preparations are going also very good. तो आज मैं आई हूँ आप सभी के लिए एक और धमाकेदार जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है SSC की तरफ से, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से. GD कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के लिए वैकेंसी आउट हो चुकी है. फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है इस जॉब को ज्वाइन करने का, तो फाइनली 2024 के लिए वैकेंसी आ चुकी है. पोस्ट की बात करें तो बम्पर नंबर ऑफ पोस्ट के लिए आएगा. वैसे तो टोटल वेकेंट सीट आपका 84,000 समथिंग है, बट जो वैकेंसी निकल के आई है इस बार वो आई है 46,617, यानी कि 46,617 पोस्ट के लिए फिलहाल भर्ती आउट हो चुकी है. मतलब कि जो बाकी के रिमेनिंग सीट्स है उसके लिए भी बहुत जल्द वैकेंसी आ जाएगी. तो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि इसके रिलेटेड सारी की सारी जानकारी की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल, साथ ही साथ ना मैं फोर्सेस वाइज आपको जो डिफरेंट CAPF है उसके रिगार्डिंग आपको बताऊंगी किस फोर्स में कितना सीट है. तो आगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे. लेकिन आप चाहते हो इससे रिलेटेड शॉर्ट नोटिस डाउनलोड करना या फिर एग्जाम सिलेबस वगैरह देखना चाहते हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो, सारी चीजें मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर. और हाँ, टेलीग्राम का लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो जाइए वहां पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए. देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि टोटल जो हमारा 46,617 पोस्ट है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है डिफरेंट फोर्सेस के बीच में, और मेल और फीमेल के लिए कितना सीट होगा. ये है ग्रुप सी का पोस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी, CAPF के अंदर भर्ती रहेगी. इसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं. तो जो मेल के लिए पोस्ट रखे गए हैं ना, 41,467, यानी कि 41,467 पोस्ट आपका क्या रहेगा, मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा. एंड फॉर फीमेल्स देयर इज 5,150 पोस्ट, यानी 5,150 सीट ना फीमेल्स यानी कि महिला उम्मीदवारों के लिए रहने वाला है. तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से CAPF में भर्ती रहेगी हमारी. BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल्स एंड SSF में आपकी ये भर्ती रहने वाली है. BSF में आपका है 12,076, जो कि सेकेंड नंबर का हाईएस्ट सीट है. सबसे ज़्यादा जो इस बार सीट आया है ना CISF के लिए 13,632, यानी 13,632 पोस्ट रहेगा. सेकेंड नंबर का आपका BSF में 12,076. उसके बाद है आपका CRPF, इसमें 9,410, यानी कि 9,500 के करीब आपका CRPF के लिए है. देन SSB में 1,926 SSB के लिए रहेगा. उसके बाद ITBP के लिए 6,287 पोस्ट है. देन असम राइफल्स के लिए ना 2,990, यानी 3,000 के अप्रॉक्स आपका असम राइफल्स के लिए रहेगा. SSF के लिए आपकी यहाँ पर 296 पोस्ट रहने वाली है. तो ये मैंने पोस्ट से रिलेटेड आपको सारी डिटेल दे दी है. ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वो सारी चीज़ें आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं. अभी बात करते हैं कि इसका अप्लाई डेट क्या रहेगा. तो फ्रेंड्स, जब मैंने इसे बोर्ड पे नोट किया था तब तक यही मेंशन था कि 27 अगस्त से ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा. 27 अगस्त यानी कि कल की ही बात कर रही हूँ, यस्टरडे जब मैं लिख रही थी उस वक्त तक 27 अगस्त को शाम में नोटिफिकेशन आने वाला था, बट फॉर सम रीजंस इसको थोड़ा सा डिले कर दिया गया. जब मैंने इसे नोट कर लिया तो रात को एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था SSC की तरफ से, जिसमें ये बताया गया कि अब हमारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वो 27 अगस्त के बजाय 5 सितंबर को आएगा. ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं है, बस अभी कुछ समय की बात है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और फॉर्म ऑनलाइन होना भी स्टार्ट हो जाएगा. हाँ, अब लास्ट डेट की अगर बात करूं तो लास्ट डेट आपका 5 अक्टूबर रहेगा. मतलब 5 सितंबर से 5 अक्टूबर, 1 मंथ का टाइम मिलेगा. बट आपको लास्ट तक वेट नहीं करना है, और जो भी नए कैंडिडेट होंगे जिन्होंने SSC के न्यू वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करेंगे. लास्ट ईयर वाला आपका रजिस्ट्रेशन काम नहीं करेगा. नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करिए, उसके बाद न्यू वेबसाइट पे लॉग इन करके फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे आप. तो ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको जानकारी दे दी. अब जानते हैं कि फॉर्म की फी क्या रहने वाली है. देखिए,
जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से ना 100 रुपीज यानी 100 रुपया लिया जाएगा। वहीं पर एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स और जो एक्स सर्विसमैन होंगे उनसे कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपकी थी फॉर्म की फी। आप जानते हैं कि व्हाट इज द एज लिमिट, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि व्हाट इज द कट ऑफ डेट, किस डेट के अकॉर्डिंग आपकी एज के यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाएगा। देखिए, एज ऑन 1st of August 2024 यानी कि 1 अगस्त 2024 के अनुसार 18 वर्ष से 23 वर्ष 18 to 23 ईयर्स के सभी कैंडिडेट इलिजिबल रहने वाले हैं। साथ ही साथ उम्र में आपको रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि जो हमारा मैक्सिमम एज है 23 साल यानी 23 ईयर्स, उसमें आपको कुछ छूट दिया जाता है। तो कैटेगरी वाइज ये छूट सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ओबीसी को मिलता है 3 ईयर्स यानी 3 साल का, और एससी एसटी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स यानी 5 साल का छूट मिलेगा। उसके बाद आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या शैक्षणिक योग्यता आपसे मांगी गई है। फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही सिंपल है, जिन्होंने भी 10th पास कर रखा है यानी कि आपने 10वीं पास कर रखी है, मैट्रिक पास कर रखी है, बस डजंट मैटर व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ योर 10th क्लास, बस आप पास आउट हो ना तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ज़्यादा कुछ आपका हाईली डिमांड नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और इतनी अच्छी आपको जॉब मिल रही है इन डिफेंस सेक्टर, डिफरेंट डिफरेंट सीएपीएफ्स में। अब बात करते हैं इसके एग्जाम की डेट के बारे में। वैसे मैं आपको ये एंड में बताने वाली थी, बट अभी ही बता देती हूँ। देखिए, इसका जो पेपर होगा ना, दिसंबर 2024 में शुरुआत होगी एंड लास्टली जनवरी 2025, मतलब कि टोटल आपका 1 से 2 महीना ये एग्जाम चलेगा, दिसंबर और जनवरी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल पोस्ट है आपका 47,000 के करीब। तो इसके लिए लाखों लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो इतना पॉसिबल नहीं होता ना कि कम ड्यूरेशन में उनका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सके। तो 2 महीने पेपर चलने वाला है, लेकिन आपको जो डेट मान के चलना है अपनी तैयारी के लिए कि लास्ट कब तक आपको कंप्लीट करना है अपना सिलेबस और उस पर काम करना है तेजी से, आप दिसंबर मान के चलोगे। ये तो कुछ तय नहीं है कि आपका एग्जाम जनवरी में ही होगा, स्टार्ट होने वाला है दिसंबर से, तो तैयारी की स्पीड को आप बूस्ट कर लो। मैं तो ये कहूंगी कि पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल भी स्टार्टअप कर ही दो, ताकि जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद फिजिकल के वजह से आपका कुछ छूट ना जाए, एक सीट आपको आपकी मिल जाए। चलिए, यहां तक हमने सारी की सारी बेसिक जानकारी को समझ ली है। अब हम जानेंगे व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस, किन किन स्टेज से गुजरने के बाद यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है, आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर हैंड ओवर की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। यू हैव टू क्लियर ऑल द 5 स्टेजेस, ये क्वालिफाइंग होते हैं। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन। अब रिटन एग्जामिनेशन का मतलब ये नहीं है कि पेन एंड पेपर मोड से होगा, ये ऑनलाइन सीबीटी होता है, जैसे एसएससी का बाकी एग्जाम होता है ना, वैसे ही ये भी एग्जाम होता है। आपका ऑनलाइन सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें क्वालिफाई करोगे तो आपका फिजिकल होता है, जिसमें आपका पीएसटी एंड पीईटी दोनों होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक मापदंड के साथ साथ शारीरिक क्षमता का भी मापन किया जाता है। फिजिकल क्वालिफाई करोगे, सिंपल सा आपका क्या होगा, डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये वेरीफाई किया जाएगा कि आपने जो अपने बारे में जानकारियां दी है सरकार को, क्या वो सच में सही है, आपके पास उसके सर्टिफिकेट्स है या नहीं है, तो ये सारी चीजें आपकी डीवी में की जाती है। फिर उसके बाद ना आपका बेसिक सा मेडिकल होता है, मेडिकल में पास करने के बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर भेज दी जाती है, फिर आप ज्वाइन कर लेते हो। तो ज्वाइन कर लेना आप, बट उससे पहले मैं बता देती हूँ कि एग्जाम पैटर्न क्या है डिटेल्स में, और आपको फिजिकल भी बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्जाम होता है फॉर 80 क्वेश्चन विच इज फॉर 160 मार्क्स, इससे ये क्लियर होता है ना, पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, 80 क्वेश्चन 160 नंबर के लिए, ठीक है। टाइम जो होता है 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे की परीक्षा होती है। निगेटिव मार्किंग 1/2 मतलब 0.50 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। एंड अगर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए ना, तो रीजनिंग से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न, मैथमेटिक्स यानी गणित से संबंधित 20 प्रश्न यानी 20 क्वेश्चंस मैथ से भी होंगे। थर्ड सब्जेक्ट है GKGS, मतलब कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, साइंस, हर चीज को कंबाइन करके, उतना टफ नहीं होता है, इजी होता है, 10th लेवल एग्जाम होता है। तो GKGS से आपका कितना 20 क्वेश्चन, मतलब कि सामान्य अध्ययन से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे।
लास्टली हिंदी और इंग्लिश, मतलब कि अगर आपकी हिंदी स्ट्रांग है तो आप हिंदी से रिलेटेड 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, और अगर इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप इंग्लिश का 20 क्वेश्चन बना लेना। दोनों सब्जेक्ट से नहीं पूछा जाएगा, या तो हिंदी या इंग्लिश, जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे उसका 20 क्वेश्चन। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है जो कि क्वालिफाइंग है। इसमें क्वालिफाई करोगे आप तो समटाइम्स के बाद आपको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। तो फिजिकल में देखिए क्या होता है, मैं बता देती हूँ मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे पहले तो पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपके शारीरिक मापदंड का यहाँ पर परीक्षण किया जाता है। देखिए सबसे पहले हाइट की मेजरमेंट होगी, तो मेल कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम हाइट है ना 170 यानी 170 सेंटीमीटर रहेगा, एसटी वालों के लिए 162.5 सेंटीमीटर फॉर मेल कैंडिडेट्स। फीमेल्स के लिए मिनिमम हाइट है 157 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर। जो एसटी कैटेगरी की फीमेल्स है ना उनके लिए 150 सेंटीमीटर यानी 150 सेंटीमीटर होगा। देन आफ्टर आपका चेस्ट मेजरमेंट होता है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स, 80 to 85 80 से 85 यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन है। मिनिमम आपका जो चेस्ट सीना होता है ना 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक्सपेंशन के बाद यानी फुलाने के बाद वो 85 मतलब 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन होना चाहिए यहाँ पर। एसटी वालों के लिए ये थोड़ा कम है, 76 to 81 मतलब 76 से 81 यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन है, लेकिन मिनिमम 76 है, मैक्सिमम 81 यानी 81 है। तो ये आपका पीएसटी है। पीएसटी के बाद आपका क्या होता है पीईटी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें रनिंग का टेस्ट होता है। तो रनिंग क्या है दोनों ही कैंडिडेट के लिए बताती हूँ। देखिए मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होती है जो कि उनको 24 मिनट्स यानी 24 मिनट में कंप्लीट करना होता है। फॉर फीमेल्स 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की रनिंग होती है और उनको कंप्लीट करना होता है 8.5 यानी 8.5 मिनट में कंप्लीट करना होता है। तो ये आपका सिंपल सा आपका यहाँ पर फिजिकल है, जिसको क्वालिफाई करोगे तो डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, मेडिकल होगा, फिर आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। तो जब आप ज्वाइन करते हो ना तो यहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, मतलब सैलरी शुरुआत में भी ट्रेनिंग के दौरान प्रोवाइड की जाती है। तो क्या सैलरी मिलता है फ्रेंड्स, देखिए नोटिफिकेशन में तो ये मेंशन किया जाता है कि 21,700 यानी कि 22,000 से शुरुआत होगी, बाद में उसको इंक्रीज करके पर ईयर की इंक्रीमेंट के बाद सैलरी 69,100 हो जाता है, मतलब 70,000 के करीब। बट रियलिटी में जब आप ज्वाइन करते हो ना तो मतलब फर्स्ट मंथ से ही आपको ना 30,000 से 35,000 दिया जाता है, बाद में सैलरी बढ़ते बढ़ते अप टू 90,000 हो जाता है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, सीट्स भी अच्छे खासे आए हैं सारे के सारे CAPFs में। तो आप कोशिश करो कि इसको अप्लाई करो और साथ ही साथ इस बार आप अपना एक सीट अचीव कर लो। रही बात की एग्जाम की सेंटर कहाँ होगी, तो SSC जैसा कि आपको पता है 3 नियर बाय सिटी चूज करने का ऑप्शन देता है। तो आप जहां पर भी अभी पढ़ाई कर रहे हो, रहते हो, या फिर आप अपने परमानेंट एड्रेस पर ही हो, तो नियर बाय 3 सिटी आप वहां पर फिल करोगे ना, वहीं पर आपको बुला के एग्जाम कराया जाएगा। और जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के लिए रहेगी, ये आपका CAPF तय करेगा कि आपको कहां पे आप पोस्ट करना है, कहां पे आप सर्विस दोगे। सो आई होप कि अब इस पोस्ट के रिगार्डिंग आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब भी कुछ डाउट है तो नो हेजिटेशन कमेंट करके क्वेरी को क्लियर कर लीजिएगा। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना आप, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके, कुछ मिस ना हो। सो मिलती हूँ आपसे फिर से किसी न्यू जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।